नागेश्वर जी, आज तो छिप छिप के मिलने का मजा आ गया। मजा सजा में बदल जाती अगर सेठ जी को पता चल जाता तो। पावरी जी, आपने तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। मैंने नहीं, आपके सेठ जी ने आपकी धड़कनें बढ़ाई। उन्हें क्या जरूरत थी गोडाउन में आने की? अरे, उनकी दुकान, उनका गोडाउन, उनकी मर्जी। उनको जब आना हो आए, जब जाना हो तब जाए। ये लोग तो झूले से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं नहीं नहीं, अब से ये छुप छुप के मिलना बंद। क्या बंद? अभी तो हमारे प्यार ने असली रंग पकड़ा है। प्यार ने असली रंग पकड़ा है मतलब? मतलब छुप छुप के प्यार करने का मजा ही कुछ और है। इससे प्यार बढ़ता है और मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि हमारी लव स्टोरी में जान आ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरी जान निकल जाएगी। नहीं 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 बावरी जी, ये छुप छुप के मिलने का प्लान काम नहीं करेगा। मैं दुकान में आई, वो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर सेठ जी को पता चल जाता तो दुकान में मेरी हमेशा हमेशा के लिए नो एंट्री करवा देते। आपको पता है, मैंने नटू काका तक को नहीं बताया कि वो खम्मा घड़ी मैडम आप थे। बागेश्वर जी, हम नहीं पकड़े जाएंगे। हमारा प्यार सच्चा है, इसलिए भगवान जी भी हमारे साथ है। और आपने भी आज सब चीजें कितनी अच्छी तरह से संभाल ली। मूंगफली गिलहरी ने खा ली बोलकर। अरे वो जैसे तैसे कुछ भी करके संभाल लिया। अब फिर आएंगी और तब नहीं संभाल पाया तो? चिंता मत कीजिए, कल मैं मूंगफली लेके नहीं आऊंगी। बस आप कल दुकान आने वाले हो? बिंदास बिंदास आइए, क्योंकि कल दुकान बंद है, कल रामनवमी है ना। अच्छा, तो मैं आपके घर आ जाती हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे घर मत आइए। क्यों? आप और सीजी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान घर से बेचने वाले हो? अरे नहीं नहीं बावरी जी, कल रामनवमी है ना, तो मैं और नटू काका गोकुलधाम सोसाइटी जाने वाले हैं रामधुन करने। हाँ तो मैं भी साथ आऊंगी। थोड़ी सेठ जी मुझे रोकेंगे। अरे लेकिन बावरी जी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में आने के लिए थोड़ी ना सेठ जी की परमिशन की जरूरत है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा चलिए, आपका मूड ठीक करने के लिए मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। अरे कब उठेंगे ये लोग? नदियां सुन नहीं सकती, बोलिए क्यों? बताइए। पास। क्योंकि वो बह रही होती है। बह रही? बह रही होती है। ओ क्या हुआ फिर? आज आई थी बाबरी दुकान में? नहीं 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 आई, और पूरे दिन में बाघा ने भी एक बार भी बाबरी का नाम नहीं लिया। मस्त मन लगा के काम किया। मानना पड़ेगा मेहता साहब, सुबह हम लोग रिक्शा में जा रहे थे तभी आपने बोला था आज बावरी नहीं आएगी, तो नहीं आई। कमाल का है आपका कॉन्फिडेंस। सच कहूं, सुबह मैंने कह तो दिया लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। मेहता साहब, इतिहास गवाह है, दो प्यार करने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। उन्हें रोकना नामुमकिन है। एक मिनट, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम घर जाओ, आराम से सो जाओ। देखो, अगर बाबरी को आना होता तो आज वो आ जाती, लेकिन वो नहीं आई और अब वो कभी नहीं आएगी। सच? हाँ, बोलने में बहुत टाइम लगा आपको। कुछ नहीं बाबा, जाओ जाओ, शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि। भगवान करे कल जेठालाल की दुकान पे बाबरी नहीं आए। सेठ जी को लगता है कि आज बावरी जी दुकान नहीं आई। उन्हें क्या पता बावरी जी आकर मुझसे मिलकर चली भी गई। कल तो रामनवमी की छुट्टी है, परसों बावरी जी फिर आने वाले हैं। पता नहीं क्या होगा। कहाँ रह गए थे? अपने परम मित्र जेठालाल से बात करने में लग गया था। आपको पता है आजकल पत्नियों की लाइफ में सौतन मोबाइल फोन है, लेकिन मेरे लाइफ में सौतन जेठा भाई है। वो तो है, दरअसल वो अपने दुकान पे चल रही परेशानी के बारे में बात करना था। अब क्या हुआ? अंजलि, तुम तो जानती हो ना कि बागा और बावरी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तो बावरी बागा को मिलने हर रोज दुकान पे आ जाती थी,
और प्यार के गीत गाती थी, जिससे जेठालाल का बहुत नुकसान होता था। फिर क्या, जेठालाल ने बाबरी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी कि आज के बाद से वो दुकान पे कदम नहीं रखेगी, और अगर वो दुकान पे आई तो बागा की भी छुट्टी। तो इसका तो जबरदस्त असर हुआ होगा दोनों पर, और बाबरी ने आना बंद कर दिया होगा। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? यही कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि दो सच्चे प्यार करने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। जैसे हमारी लाइब्रेरियन कभी हमें रोक नहीं पाती थी। जैसे पत्थर पानी को रोक नहीं सकता, पेड़ हवा को रोक नहीं सकता, और क्षितिज आसमान को रोक नहीं सकता, ठीक वैसे ही दो प्यार करने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। वाह वाह, क्या बात है मेरे लेखक महोदय। अब देखना यह है कि दो प्यार करने वाले जेठालाल के जीवन में कोई तूफान ना लाए। अरे नहीं लाएंगे, आप टेंशन छोड़िए और जल्दी से सो जाइए, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है, कल रामनवमी है ना। अरे हाँ, कल तो रामनवमी की सेलिब्रेशन है। तारक, हमारी सोसाइटी कितनी प्यारी है ना, हम सारे फेस्टिवल्स कितने मजे से सेलिब्रेट करते हैं, होली हो या दिवाली, गणपति हो या जन्माष्टमी, रामनवमी हो या पारसी न्यू ईयर, ईद हो या बैसाखी, हम सब कुछ एकदम मिलजुल के मजे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, और इसका सारा क्रेडिट हमारे भिड़े को जाता है। सच में हमारा भिड़े एक में भी है भाई। आजकल तो लोग अपने घर के सेलिब्रेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, सारा का सारा काम प्रोफेशनल्स को सौंप देते हैं, लेकिन हमारा भिड़े हर त्योहार की सेलिब्रेशन के लिए दिल से मेहनत करता है। रामचंद्र की जय। श्री राम। राम राम आत्मा राम। सॉरी, क्या हुआ? आपके चेहरे पे सिर्फ उत्साह नजर आ रहा है, टेंशन कहाँ है? आइते? हाँ, मतलब जब भी त्योहार आने वाला होता है ना, तो आपके चेहरे पे दिखता है कि कल त्योहार है। बचपन से मैं ऐसा ही हूँ, त्योहार को लेके हमेशा उत्साहित ही रहता हूँ। पर क्या है ना, मैं सोसाइटी का बड़ा सेक्रेटरी हूँ। मतलब बड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तो सब कुछ देखना पड़ता है कि सब सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, पर कभी कभी ना ये टप्पू सेना की वजह से ना मुझे टेंशन आता है। ये देखो टप्पू सेना, अभी तुम लोग को याद किया, तुम लोग आ गए। आप इड़ा अंकल झूठ बोल रहे हो, हमें तो हिचकी आई नहीं। कैसी बातें कर रहा है यार गोगी, इचकी तब आती है जब कोई दिल से याद करता है। अभी ये टाइम पास छोड़ो, और मैंने जो रामनवमी की तैयारी करने बोली थी वो हो गई? नहीं है? आपने जितना कहा था उससे ज्यादा तैयारियां हुई है। ए आगाओ। बाबा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपने टप्पू सिन्हा को जो भी जिम्मेदारियां दी थी वो सब हमने अच्छे से पूरी कर दी है। और कल रामधुन कैसे गानी है उसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। आप दोनों सुनेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक मिनट एक मिनट। अरे गोगी जल्दी कर। बोलो मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आज के शुभ दिन पर हम आपको भगवान श्री राम का एक भजन सुनाना चाहते हैं। और ये भजन हमने आसित अंकल के साथ मिलकर बनाया है। एक मिनट। टिकी
गर्म सांसे हुआ रोम रोम जीवित अब मेरे सिया राम जो है आए मेरे सिया राम जो है आए मेरे सिया राम जो है आए मेरे भगवान है आए प्रभु श्री राम है आए मेरे भगवान है आए प्रभु श्री राम है आए त्रेता युग के उजियाले मानो कलयुग में है छाए के मोक्ष की पुरवैया शरण में ले लो प्रभु बहा के मोक्ष की पुरवैया पहन के तेरे नाम की माला हम भी तरसे हैं मुस्काए तो अभी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हम लोग रामधुन शुरू करते हैं। सुनिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रसाद लिए बगैर कोई न जाए। अरे भिड़े मास्टर, बिना प्रसाद के भक्ति का आनंद अधूरा रहता है, इसलिए प्रसाद तो खाकर ही जाएंगे। चल भागा, सेठ जी को बाई बोल के निकलते हैं। मस्त प्रसाद है छोटे, तो एक और लो। अरे भाई नहीं, पहले ही तीन लड्डू खा चुका हूँ मैं। भाई आप बोलिए, हम निकलते हैं। क्यों? मुझे डर लग रहा है कि मुझे यह देख के पेठालाल जी गुस्सा करेंगे। आइए मैं अभी आपका डर निकालती हूँ। अरे सेठ जी, मैं आई तो आपको बुरा नहीं लगा ना? देखा नहीं लगा, और क्यों लगेगा? उन्होंने तो मुझे दुकान में आने से मना किया है। ये दुकान थोड़ी है ना? तो निकल रहे हैं आप लोग? जी सेठ जी, चलिए बावरी जी। अब अभी भी मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ। तुझे यहाँ देख के मैं बहुत खुश हूँ।
क्योंकि तुझे देख के मुझे वाधवा जी याद आते, गिरे गिरे हुए वाधवा जी। तो जाहिर सी बात है, मैं तो तुझे देख के खुशी होऊंगा ना। चलिए चलिए बावरी जी, ले जा इसको यहाँ से ले जा, और याद रखना इसने फिर से दुकान में पैर रखा ना तो मैं तुझे कभी दुकान में पैर रखने नहीं दूंगा। सेठ जी चलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। दर्शक, भक्ति में अलग ही शक्ति होती है। भक्ति एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें शांति, संतोष, प्रेम और समर्पण की भावना में लीन कर देता है। हम सब गोकुलधाम वासी भक्ति के रंग में रंग चुके हैं। रामनवमी के इस पावन अवसर को हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। भगवान राम से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। हमेशा हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए, बुराई का नाश करना चाहिए, हमेशा अपने वचन पे डट के रहना चाहिए। इसलिए तो कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन यहाँ पर तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। एक तरफ जेठालाल ने फरमान जारी कर लिया है कि बावरी दुकान में कदम नहीं रखे, और दूसरी तरफ बावरी भेष बदल बदल कर बागा को मिलने आ रही। अब क्या होगा जब बावरी कस्टमर बन के आएगी और बागा को मिलने की कोशिश करेगी? क्या जेठालाल उसे पकड़ लेगा या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? दोस्तों आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, इसलिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान की जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.